बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल में खुश आमदी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और चीन ने लंबे अरसे तक CPEC के लिए बाहमी करेंसी के तबादले का माहिरा बहाल करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक चीन के ताजरों को पाकिस्तान के अंदर अपनी करेंसी इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, जबकि पाकिस्तानी ताजिर भी अपनी करेंसी चीन में इस्तेमाल कर सकेंगे। दोनों ममालिक में किसी दूसरे ममालिक की करेंसी इस्तेमाल नहीं होगी, यानी कि अब डॉलर के बगैर भी पाकिस्तान और चाइना अपनी ट्रेड जारी रखेंगे, ताकि डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म की जाए और पाकिस्तानी करेंसी पर जो प्रेशर है डॉलर की वजह से, वो प्रेशर खत्म हो जाए। CPEC के मंसूबों में भी मकामी करेंसी को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कर्जों की अदायगी भी मकामी करेंसी के मुताबिक होगी। माहिदे के तहत पाकिस्तान स्टेट बैंक और चीन के मरकजी बैंक में तावन को भी फ़रोग मिलेगा। दोनों ममालिक में गुज़श्ता दौर हुकूमत में करेंसी स्वैप माहिदा तय पाया था। पाकिस्तान और चीन ने 2030 तक इस माहिदे को फ़ाल करने का फैसला कर लिया है। नवीन इकराम, इस फैसले से पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व पर जो प्रेशर है वो काफ़ी कम होगा। वीडियो वॉच करने का बेहद शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पाक टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।